हेलो एवरीवन, आज हम पॉवर्टी एज अ चैलेंज वर्कशीट 82 करेंगे सोशल साइंस इकोनॉमिक्स की। तो इन आवर डेली लाइफ हम कई सारे पुअर पीपल देखते हैं। ये क्या हो सकते हैं? जिन लोगों के पास घर नहीं होता, या जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो लोग डेली इनकम पे काम करते हैं, ढाबों में काम करते हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे लोग, ये सभी किसमें आते हैं? पॉवर्टी में। तो हम ये कह सकते हैं जो हर चौथा पर्सन है इंडिया में वो गरीब है। तो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी मतलब होता है कि हमें अपने डेली यूजेस के लिए कुछ जो चीजें होती हैं वो ना मिलना। यहाँ तक कि जब लोगों को साफ पानी और सफाई भी ना मिले तो वो गरीब है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट ने क्या कहा? सिंस पॉवर्टी के बहुत फेस हैं, सोशल साइंटिस्ट ने इन्हें देखा और कुछ इंडिकेटर्स बताए पॉवर्टी के, जैसे इलिटरेसी लेवल, पढ़ा लिखा ना होना, उनके पास अच्छी सर्विस ना होना, अच्छी हेल्थ केयर ना होना, एंड साफ पानी ना मिलना, सैनिटेशन ना मिलना, ये बहुत वो है। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है? अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजप्शन लेवल। जो पॉवर्टी मेजर करने का मेन रीजन है, ये जो है इसका मेन काम है कि उन लोगों को देखना जिनकी इनकम कम है बहुत, तो इनको मिनिमम लेवल के अंदर ले लिया जाता है। तो जो हमारी प्रेजेंट फॉर्मूला है फॉर फूड रिक्वायरमेंट, ये हमारा फूड रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला यूज होता है कैलोरी, इसके लिए ही इसी से हम पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं। तो इंडिया में जो लोग गांव में रहते हैं उनका पॉवर्टी लेवल 2400 कैलोरी होता है एक दिन का, वही रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज में 2100 होता है। तो रूरल एरिया यानी गाँव के लोगों का कैलोरी लेवल ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉवर्टी? पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू गेट द मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी? प्रिविलेंट फैक्टर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, lack of job opportunities and lack of drinking water. People below the poverty line lack which basic facilities? Poverty also mean lack of clean water and sanitation facilities. It also mean lack of a regular job at a minimum decent level. Fourth, poverty line varies with time and place. Yes, a person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. तो ये सब आप लिख देंगे। Fifth, why people in rural areas have high calorie level? People in rural areas have high calorie level because they do more physical work. आप इस तरह से पांचों क्वेश्चन करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।